प्लास्टिक का इधर कोई काम ही नहीं दिख रहा मेरे को। पत्तल का स्टार्टिंग का है, पैकिंग भी है, पत्तल में करते हैं क्या आप? बिल्कुल पत्ते में सर, ये धोने का रहता है हमारा, ये बिल्कुल धोने का फ्लेवर रहता है इसमें, पत्ते का फ्लेवर रहता है पोहे के अंदर। What's up people? आज मॉर्निंग हो चुकी है और मैं आपको ले जा रहा हूँ पनवाड़ी पोहा सेंटर। मैं कल गया था वहाँ पे तो मैं देखा कि पोहे वाले भैया हैं पनवाड़ी पोहा सेंटर, जो कि बहुत ही हाइजीनिक तरीके से पोहे सर्व कर रहे हैं और पोहे भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हालांकि हाँ, वो चम्मच प्लास्टिक की यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो चम्मच भी वहाँ से हटा देंगे प्लास्टिक की। सो आप चलिए एक बार जाके ज़रूर देखिए पनवाड़ी पोहा सेंटर। तो चलते हैं। पे भैया अपने बहुत ही स्पेशल तरीके से पोहे बनाते हैं और सबसे खास बात इनकी मुझे ये लगी कि ये पत्तल में पोहे देते हैं। प्लास्टिक का इधर कोई काम ही नहीं दिख रहा मेरे को। पत्तल का स्टार्टिंग का है, पैकिंग भी पत्तल में करते हैं क्या आप? बिल्कुल पत्ते में सर, ये धोने का रहता है हमारा, ये बिल्कुल धोने का फ्लेवर रहता है इसमें, पत्ते का फ्लेवर रहता है पोहे के अंदर। ये पूरा मतलब हाइजेनिक रहता है हर तरह से, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, मतलब प्लास्टिक का तो हमें बिल्कुल दूर दूर तक नाम ही नहीं है। चार ब्रांचेज नाम है, एक अपना ये इंदरगंज चौराया, दूसरा दाल बाजार और आपका तीसरा कंपनी टीआरजी कॉलेज के ठीक सामने, एस एस के थोड़ी वाली के सामने, और चौथा है आपका नाका चंदबंदी भैरव बाबा का मंदिर के पास। भैया पेपर का यूज नहीं करते हैं क्योंकि पेपर का यूज बता रहे थे भैया कि उनमें पेपर में जो डाई होती है, जो कलर होता है, वो जब अपन पेपर का यूज करते हैं उस पर खाना खाते हैं तो वो खाने के साथ साथ अपने शरीर के अंदर जाती है और वो आगे चल के कैंसर जैसी बीमारी का कारण बनती है। और पत्तल का यूज भैया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पत्तल है वो प्रकृति में दोबारा जाके समा जाता है। आग्रह करेंगे कि प्लास्टिक की कोई भी चीज ना मांगे, चाहे वो चम्मच हो या पॉलिथीन हो या कुछ भी हो। बनावटी और मिलावटी कोई भी काम नहीं है। साफ देसी घी की जलेबी पनवाड़ी पोहा, हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित जलेबियाँ और पोहा और ढोकला 2 बजे तक आपको मिलेगा। भैया आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप? बहुत टाइम से आ रहा हूँ। आपको यहाँ का कैसा लगा पोहा? और ये बहुत अच्छा है पोहा ढोकला या जलेबी शुद्ध घी की?
ये हमारा पनवाड़ी पोहा सेंटर का पोहा और ढोकला स्पेशल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर, आप ऐसे ही काम करते रहिए बिल्कुल सर, और लोगों को जागरूक करते रहिए, लोगों को बताइए। सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को अच्छा खिलाना, मतलब साफ सफाई से खिलाना। लोगों का मतलब इच्छा हो कि साहब पनवाड़ी पोहे पे खाने आना है, लोगों का ऐसा मत हो कि साहब पोहा अगर रात को सोच के बैठे कि पोहा खाना है तो पनवाड़ी के ही खाना है। हमारा सिर्फ ये मानना है लोगों को साफ सफाई से और उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम ये काम करते ही रहेंगे।